हेलो बच्चों वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा नाम जगदीप है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन वैसे इस चैप्टर का नाम है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जिसे हम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोलते हैं और पिछले वीडियो में हमने कवर किया इनडिफरेंस कर्व के मीनिंग और डाइग्राम्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन हमने पिछले वीडियो में भी इंट्रोड्यूस किया था बट आज के वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में इसे पढ़ने वाले हैं ठीक है स्टूडेंट्स अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना क्योंकि इस साल आपको बहुत सारे पे नोट्स और quizzes मेरी तरफ से मिलेंगे प्लस बड़े वीडियोस से पढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर थोड़े छोटे साइज के वीडियोज हैं और आपको अगर वैसी वीडियोज अच्छी लगती है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं ठीक सो so, चले लेक्चर में तो जैसा मैंने पहले बताया था हमने पिछले वीडियो में एम आर एस यानी मार्जिनल रेट ऑफ़ सब्सटिट्यूशन को थोड़ा सा टच किया था इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि आपके पेपर्स में मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटिट्यूशन पर डिटेल क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है ठीक तो मार्जिनल रेट ऑफ़ सब्सटीट्यूशन हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे आंसर्स के फॉर्म में और इसको समझना कैसे है वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस होंगी ठीक है तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस आंसर को कैसे लिखना है कैसे प्रेजेंट करना है तो प्लीज वीडियो में बने रहिए अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन होता क्या है है ना पीछे चलते हैं हमारे टेबल में और फिर रिलेट करते हैं कि भाई डेफिनेशन क्या कह रही है ठीक है तो थोड़ा हम पीछे चलते हैं तो ये हमारा पिछले वीडियो का टेबल है और इस टेबल में हमने कुछ ये कॉम्बिनेशन पढ़े थे चॉकलेट्स और पिज्जा को लेकर ठीक है और मैंने ये एम वाला सेगमेंट जो है ये भी लास्ट वीडियो में बनाया था इसको अब हम थोड़ी डिटेल में लेते हैं तो ये जो टेबल है ये क्या डिपिक कर रहा है उन कॉम्बिनेशन को डिपिक कर रहा है जो कंज्यूमर यूज कर सकता है कंज्यूम कर सकता है किन्हीं दो कमोडिटीज की हमारे एग्जाम्पल में वो दो कमोडिटीज हैं चॉकलेट्स और पिज्ज़ा पिज्जा के स्लाइसेस बेसिकली ठीक है तो यहाँ पे कंज्यूमर के पास कॉम्बिनेशन ए है जिसमें कंज्यूमर ट्वेंटी चॉकलेट्स कंज्यूम कर रहा है और उसके पास एक यानी कि वन पिज्जा स्लाइस है ठीक कॉम्बिनेशन बी में कंज्यूमर को अगर एक एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा स्लाइस चाहिए तो उसको छः चॉकलेट्स गिवअप करनी पड़ेंगी है ना ट्वेंटी से 14 पे जंप किया है दैट मीन्स सिक्स चॉकलेट्स छः चॉकलेट्स उसने अप किए हैं कॉम्बिनेशन सी में कंज्यूमर ने एक पिज़्ज़ा स्लाइस और एक्स्ट्रा खा ली है भाई और चार चॉकलेट्स अप किए हैं ठीक है कॉम्बिनेशन डी में कंज्यूमर ने फिर से एक और पिज़्ज़ा स्लाइस ले ली अब की बार इसने सिर्फ दो चॉकलेट्स को ही अप किया है सेक्रीफाइस किया है और कॉम्बिनेशन ई e में कंज्यूमर ने फिफ्थ पिज़्ज़ा स्लाइस ली है एक और बढ़ा दी है जबकि चॉकलेट सिर्फ एक ही अप की है ठीक है अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमने इस कॉलम में यहाँ पर लिख रखी हैं इनिशियली कंज्यूमर ने छः चॉकलेट्स गिवअप किए और एक पिज़्ज़ा स्लाइस गेन की ठीक है तो ये जो रेशो है इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लाइकवाइज कॉम्बिनेशन सी में उसने चार चॉकलेट्स गिवअप की हैं और एक पिज़्ज़ा स्लाइस गेन की है लाइकवाइज दो चॉकलेट्स गिवअप की हैं फिर एक चॉकलेट गिवअप की है अगर हम एक ट्रेंड देखें तो पिज़्ज़ा स्लाइस तो उसने कॉन्स्टेंटली एक एक एडिशनल गेन की है बट चॉकलेट्स का जो सेक्रीफाइज रेट है वो कम होता जा रहा है पहले सिक्स थी फिर फोर फिर टू फिर वन है ना उसने अपनी चॉकलेट्स अप करने का जो रेट है वो कम किया है तो ये जो सिस्टम है ये रेट जो कम किया है इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिटीट्यूशन और क्योंकि ये कम हो रहा है इसीलिए इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटिट्यूशन है ठीक है उस सेगमेंट पे हम थोड़ा सा बाद में आएंगे डायग्रामेटिकली ये कैसा दिखाई देगा ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ये हमारा कॉम्बिनेशन ए है ट्वेंटी चॉकलेट्स और वन पिज्ज़ा स्लाइस और ये कॉम्बिनेशन बी है फोर्टीन चॉकलेट्स और टू पिज़्ज़ा स्लाइसिस तो कहाँ से कहाँ तक कंज्यूमर ने गिव अप किया है बेसिकली ये वाला पूरा सेगमेंट कंज्यूमर ने गिव अप कर दिया ये सेगमेंट ठीक है सो so, ये जो सेगमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक के ये गिव अप किया है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह गेन किया है लाइक वाइज कॉम्बिनेशन सी में यहाँ तक हमने गिव अप किया है बी से सी तक यहाँ से लेकर यहाँ तक गिव अप किया है सो दिस इज़ माइनस फोर फ्रॉम हेयर टू हेयर और यहाँ तक ये वन एडिशनल चॉकलेट हमने कंज्यूम की है या इस कंज्यूमर ने कंज्यूम की है तो डायग्रामेटिकली ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और इस डिक्रीजिंग ट्रेंड की वजह से जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी जो स्लोप है कुछ इस तरीके से आती है इस स्लोप को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन ठीक है कॉन्वेक्स क्यों है क्योंकि ये ओरिजिन की तरफ से इस तरह से बेंड हो रहा है बो डाउन हो रहा है ठीक है मैं आपको दूसरे कलर के साथ में यहाँ पे दिखा देती हूँ ऐसे तो ये जो बो डाउन हो रहा है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो बो डाउन हो रहा है ये ओरिजिन की तरफ बो डाउन हो रहा है इस चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन ठीक है आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा अब हम इसे देखते हैं लिखना कैसे है तो अगर एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन तो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे लिखनी है वो है डेफिनेशन ठीक है क्या है डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं इट रेफर्स टू द रेट एट विच कमोडिटीज़ कैन बी सब्सटीट्यूटेड विद ईच अदर किस तरह से so that the total satisfaction of consumer remains the same, yani कि आप कितना ही substitution yahan यहाँ use kar कर लो आप फिर भी इस सेम आई सी कर्व पे ही लोकेट करोगे अगर आप देखो तो पॉइंट्स ए बी सी डी ई सारे एक ही आई सी कर्व के ऊपर सिचुएटेड हैं इंडिकेटिंग कि कंज्यूमर का लेवल ऑफ़ सैटिस्फैक्शन सेम है ठीक है तो ये जो फैक्टर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर किसी भी तरीके से कंज्यूमर का ये जो रेशो है ये चेंज हो जा रहा है या मान लो कंज़्यूमर पिज्ज़ा भी इंक्रीज़ कर दे रहा है और चॉकलेट्स का कंजम्पशन भी इंक्रीज़ कर रहा है तो उस केस में कंज्यूमर की जो ओवरऑल हैप्पीनेस है जो सेटिस्फैक्शन है उस कॉम्बिनेशन से बढ़ जाएगी और इन दैट केस कंज्यूमर इस आईसी कर्व पे लाए नहीं कर सकता क्योंकि उसकी लेवल ऑफ़ सेटिस्फैक्शन इस आईसी कर्व से ज़्यादा होगी दैट मीन्स वो किसी और जोन में चला जाएगा किसी और आईसी कर्व पे चला जाएगा ठीक है तो किसी भी कंज्यूमर को अगर अपना लेवल ऑफ़ सेटिस्फैक्शन सेम रखना है तो उसे सेम आईसी कर्व पे होना होगा और किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन जो उसी आई सी कर्व पे लोकेट uh, करता है सिचुएट होता है या इसी आई सी कर्व पे है तो कंज्यूमर का लेवल ऑफ़ सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा वो कितने ही चेंजेस अपने कॉम्बिनेशंस में कर ले ठीक है सो कॉम्बिनेशन ए और ई e में टेक्निकली बहुत डिफरेंस है यहाँ पे ट्वेंटी चॉकलेट्स और वन पिज़्जा है यहाँ पे सेवन चॉकलेट्स और फाइव पिज्जा स्लाइसेस हैं बट स्टिल कंज्यूमर उसी इन कर्व पे लाइक कर रहा है और उसकी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम है ठीक है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन कैलकुलेट कैसे करते हैं न्यूमेरिकल्स भी आपको मिल सकते हैं आपके पेपर्स में तो ये जो फॉर्मूला है ये आपने यूज़ करना है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटिट्यूशन ऑफ चॉकलेट्स फॉर पिज्ज़ा सो वॉट एवर यू आर सेक्रीफाइजिंग जो भी आप चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे हो यहाँ पे अपने एग्जाम्पल में चॉकलेट्स आप सेक्रीफाइस कर रहे हो तो कितने यूनिट्स आपने सेक्रीफाइस किए हैं वो न्यूमेरेटर में और कितने पिज्ज़ा के स्लाइसिस आपने गेन किए हैं वो डिनोमिनेटर में formula wise it's units of chocolates willing to sacrifice over units of pizza slices willing to gain ek cheez jo bahut important hai yaad rakhne ke liye wo ye hai ki marginal rate of substitution is actually the slope of indifference curve इसी की वजह से indifference curve का जो slope है वो convex बन करके आता है अब आप लोग पूछोगे कि marginal rate of substitution गिर क्यों रहा था है ना क्यों गिरा है सिक्स फोर टू वन इस तरह से चॉकलेट्स क्यों गिवअप किए क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटिट्यूशन डिपेंड करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे हमने ये लॉ पढ़ा है अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे इस वीडियो को चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपको आई बटन कहीं पे दिख रहा होगा वहाँ पे क्लिक कर देना वहाँ पे आपको ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा ठीक अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलती है कि भाई जितना ज़्यादा हमारे पास कोई कमोडिटी है उतनी उसकी यूटिलिटी हमारे लिए कम हो जाती है हमें उससे सेटिस्फैक्शन कम मिलती है हमें उससे खुशी कम मिलती है तो जैसे ही कंज्यूमर पिज़्ज़ा स्लाइसिस गेन करने लग जाता है उसकी कंजम्पशन पिज़्ज़ा की बढ़ जाती है पिज्ज़ा से मिलने वाली खुशी हैप्पीनेस कम होने लग जाती है है ना उसी तरह से जैसे जैसे वो चॉकलेट्स गिव अप करना शुरू करता है अब उसके पास चॉकलेट का स्टॉक कम होने लग गया उसको दिख रहा है कि भाई चॉकलेट्स कम होती जा रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ चॉकलेट्स विल गो अप उसके लिए चॉकलेट्स बहुत प्यारी होने लग जाएंगी क्योंकि अब वो उसके पास कम है और हर एक एडिशनल यूनिट जब वो गिव अप कर रहा है वो उसे दुख देने लग जाएगी पेनफुल हो जाएगी तो उसकी जो विलिंगनेस है उसको सेक्रीफाइस करने के लिए, उसको की उसको छोड़ने की पिज्ज़ा स्लाइस गेन करने के लिए वो गिरने लग जाएगी ठीक सो so उसकी विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस जो है वो कम होने लग जाएगी जिस वजह से एट एवरी डिफरेंट कॉम्बिनेशन जहाँ पे कॉम्बिनेशन ए था विथ ट्वेंटी चॉकलेट्स कॉम्बिनेशन बी में कंज्यूमर सिर्फ फोटीन रख रहा है सिक्स गिव अप कर रहा है रादर कॉम्बिनेशन सी में उसने फोर गिव अप की कॉम्बिनेशन डी में उसने टू गिव अप की एंड कॉम्बिनेशन ई में तो और भी कम भाई वो बोला मैं एक से ज़्यादा चॉकलेट गिव अप नहीं कर सकता मेरे पास चॉकलेट का स्टॉक ख़त्म होने आ रहा है तो आई विल नॉट गिव अप ठीक तो ये जो रूल है इस वजह से मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिटिट्यूशन फॉलोइंग या डिमिनिशिंग ट्रेंड में दिखता है क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन नेगेटिव है या नेगेटिव होता है इस वजह से इन डिफरेंस का टू ओरिजिन होता है जो मैंने अभी ऊपर आपको एक्सप्लेन किया था नेगेटिव का मतलब एक चीज़ एक्स्ट्रा पाने के लिए आपको दूसरी चीज़ कम करनी ही पड़ेगी गिवअप करनी ही पड़ेगी क्योंकि लॉजिकली इंसान के पास एक लिमिटेड इनकम होती है और उसी लिमिटेड इनकम में उसे अपना जो बजट है अपना जो खर्चा है चलाना पड़ता है तो अगर उसको कोई चीज़ ज़्यादा चाहिए चीज तो कोई और चीज़ की स्पेंडिंग कंज्यूमर को कम करनी ही पड़ेगी एंड उसी की वजह से इनडिफरेंस कर्व जो है कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है ठीक है बच्चों आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इन कर्व का ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक भी और जब आप हायर लेवल्स में इनडिफरेंस कर्व्स पढ़ोगे तो इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होंगी तो वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन पे तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना बहुत ही सुपर क्रूशल है ठीक मिलते हैं अगले वीडियो में बाय ना टेक केयर